तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम मेनू टैब, और होम मेनू टैब में हम आपको बताएंगे पेस्ट स्पेशल एंड एडवांस पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल का यूज जो है क्यों करते हैं? जनरली आप लोग कॉपी पेस्ट तो करते ही करते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट में और क्या क्या फीचर्स हैं, ये हम फीचर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में। चलिए एक छोटा सा डेटा लेता हूं, क्योंकि छोटे डेटा में इफेक्ट जल्दी समझ में आता है आपको। और डेटा के लिए हम यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला लेते हैं। रैन बिटवीन का फॉर्मूला क्या करता है, रैंडम नंबर निकालता है। तो इसने इसमें से रैंडम नंबर निकाल दिया। ठीक है, इसको हम फॉर्मेट भी कर देते हैं। अब मैं इसको कॉपी करके कहीं और जगह नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते थे, नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन मुझे पूरा कॉपी नहीं करना है। तो पेस्ट स्पेशल आपको अलाउ करता है कि इस पूरे पार्ट में से जिस जो पार्ट आपको कॉपी करना है उस पार्ट को आप ले सकते हैं। राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि ऑल पे क्लिक करेंगे तो जैसा नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है वही होगा। उसके अलावा अगर मैं पेस्ट स्पेशल करता हूं और फॉर्मूला लेता हूं, तो क्या करता है कि आपका सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करता है। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नेम में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूला क्यों पेस्ट किया? तो फॉर्मूला का यहां मतलब ये है कि जो फॉर्मूला मेनू बार में दिख रहा है उसको पेस्ट करेगा। जो फॉर्मूला मेनू बार में उसको दिख रहा है वो उसी को पेस्ट करेगा किसी और को। समझ गए? लेकिन यहां पे फॉर्मूला आया तो हमारे पास एक और वैल्यू होता है कि हमें फॉर्मूला को रिमूव करके पेस्ट करना है। तो पेस्ट स्पेशल में हम पेस्ट एज ए वैल्यू लेते हैं, फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट करते हैं। ये बार बार नंबर चेंज हो रहे हैं क्योंकि रैन बिटवीन हर बार अपना नंबर अपडेट करता है। अब मैं चाहता हूं कि हमने कॉपी करके यहां पेस्ट किया तो यहां फॉर्मूला रिमूव हो गया, बट मैं चाहता हूं पेस्ट करना यही भी इसी के ऊपर, मैं इसी के ऊपर पेस्ट करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जैसे इसको कॉपी पेस्ट करूं तो इसका फॉर्मूला रिमूव हो जाए, मैं कहीं और नहीं, हम इसी के ऊपर फॉर्मूला रिमूव करना चाहता। तो हम कॉपी करके इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वैल्यू कर देंगे तो ये फॉर्मूला रिमूव कर देगा। और इसका यूज हम बहुत करते हैं अपने रिपोर्ट्स में, क्योंकि आपकी मान लीजिए आपने कोई रिपोर्ट बनाया हुआ है और वो रिपोर्ट दूसरे किसी डेटा से लिंक है। अब किसी को आप मेल कर रहे हो और मेल में आप वो डेटा नहीं भेजना चाहते हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा सर। रिकॉर्डिंग का आप लेट जॉइन किए इसके परमिशन नहीं दे पा रहा। चल मैं दे दूं। ठीक है, तो आप अगर डेटा नहीं भेजना चाहते हो तो आप प्रीवियस जितने भी मतलब कि आपकी जो सॉरी आपके जो डेटा मेल करेंगे तो आप उसको एक्सेल शीट को आप एक्सपोर्ट कर लो
नई किसी और फाइल में और वहां पे आप पेस्ट वैल्यू कर दो तो सारे फॉर्मूला रिमूव हो जाते हैं। तो पेस्ट वैल्यू का इस्तेमाल हम करते हैं। अब पेस्ट जो वैल्यू के बाद अगला आता है कि हमें सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है, डेटा को पेस्ट नहीं करना है, तो हम राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसकी फॉर्मेट को क्लिक करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट होती है। सॉरी हमने कुछ और कर दिया था, फॉर्मेट सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट हुआ, डेटा पेस्ट नहीं हुआ। और सेम इस तरह एक बार आता है कमेंट्स। अब कमेंट्स के बारे में जान लीजिए, कमेंट्स क्या होता है, किसी फील्ड का एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कर्सर जाने में दिखता है, राइट क्लिक करके आप ऐड कमेंट करेंगे, इंसर्ट कमेंट, और यहाँ पे आप अपना जो भी कमेंट लिखना चाहो लिख सकते हो। ये कमेंट कब दिखेगा, जब इसके ऊपर हमारा कर्सर जाएगा तो आपको एक कमेंट दिखेगा। ये कमेंट दिखा तो मैं कुछ और नहीं, मैं सिर्फ इसकी कमेंट्स को ही पेस्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी आप राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल कमेंट कर सकते हैं, सिर्फ कमेंट होगा। उसी तरह से आप मुझे कॉपी करना, लेकिन मैं बॉर्डर नहीं चाहता हूं, तो पेस्ट स्पेशल में ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर कर दीजिए, सब कुछ आएगा, उसका बॉर्डर नहीं आएगा। एक और चीज, जब हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं या कोई फॉर्मेट बनाते हैं, तो रिपोर्ट या फॉर्मेट जो होता है वो एक सेल के अंदर विजुअल हो, एक सेल पे विजुअल, में एक पेज पे या फिर एक व्यू पे, विंडो व्यू पे विजुअल हो, इसके लिए हम लोग कॉलम की विड्थ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके कहीं और किसी शीट पे या किसी अनदर शीट पे पेश करता हूँ, तो कॉपी पेस्ट करते समय हमारा कॉलम का विड्थ नहीं आता है। तो नतीजा क्या होता है कि हमें इसको दोबारा से अरेंज करना पड़ता है, दोबारा से सब करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार ये अरेंज ना करना पड़े, तो उसके लिए राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां पे हमारे पास आता है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ को मैंने सिलेक्ट किया एंड ओके किया, तो सिर्फ कॉलम विड्थ को पेस्ट किया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि पेस्ट स्पेशल में जब भी आप पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ करते हैं, तो आपका जो कॉलम का विड्थ है सिर्फ वही पेस्ट होता है, बाकी चीजें पेस्ट नहीं होता है। मुझे डेटा चाहिए तो आप इसी को दोबारा से पेस्ट करेंगे तो आपका डेटा भी आपको दिखेगा, या फिर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो इसके अंदर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आइकन्स आता है, तो आइकन्स में इस आइकन जिस पर कर्सर जाता है आपको दिखेगा कि सोर्स कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा भी आएगा और कॉलम विड्थ भी आएगा। तो कॉलम विड्थ सबसे ज्यादा अहमियत रखता है जब हम एक पर्टिकुलर रिपोर्ट को फॉर्मेट करते हैं, सॉरी कॉपी पेस्ट करते हैं किसी अनदर जगह से, तो हमें बार बार इतना करें। अब यहां पे हम देते हैं फॉर्मूला डेट का। आपके डेटा में हो सकता है कि डेट भी हो, यहां पे अब मैं इसको कॉपी करता हूं या डेट को ही कॉपी करके पेस्ट एज ए फॉर्मूला या पेस्ट एज ए वैल्यू करता हूं, तो ये नंबर दिखता है। नंबर क्यों दिखता है तो हम जिक्र करेंगे, लेकिन हम यहां पे सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि ये नंबर दिखा क्यों, ये नंबर है क्या। ठीक है, तो नंबर है क्या, देखिए जब भी कोई डेट डालते हैं तो डेट जो है और डेट में स्टोर नहीं होता है, और नंबर ऑफ डेज में स्टोर, मतलब 43,383 दिन। तो ये दिन क्या है, ये दिन है जब से कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से, और जो डेट डाल रहे हैं तब तक की नंबर ऑफ डेज। जैसे कि कंप्यूटर कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 1900, 1-1-1900 को हमारा कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, 1900 से स्टार्ट है, उससे लेके जो हमने डेट डाला हुआ है 10 अक्टूबर तब तक की नंबर ऑफ डेज है कि 43,383 दिन हो गए हैं। ये तो मैंने बोल दिया, आपने मान लिया, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं।
मैंने यहाँ पे लिखा एक दिन, और इस एक दिन के ऊपर मैंने डेट का फॉर्मेट अप्लाई किया। यहां से कर लीजिए कस्टम आ गया। हाँ तो यहाँ पे दिखा आपको 1/1/1900, मतलब एक दिन बराबर 1/1/1900 तारीख। अब मैं यहाँ पे 32 दिन डालता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 2/1 मतलब कि 1 फरवरी 1900। ऐसे मैं 367 डालूंगा तो यह आ गया 1/1/1901। ऐसे मैं 43,383 दिन लिखूंगा तो ये 10/10/1918। तो ये नंबर ऑफ डेज है जो कंप्यूटर कैलेंडर से स्टार्टेड है। और ऐसे भी कंप्यूटर कैलेंडर हमारा एक ही स्टार्ट है, आप अपने कैलेंडर में जाके देख सकते हैं कि आपको जो ईयर दिखेगा 1900 से पहले नहीं दिखेगा, इसके बाद डेट नहीं कैलेंडर। ये भी एक प्रूफ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, दो इससे एक चीज और पता चलती है कि अगर आप सिस्टम के अंदर में कोई डेट डालते हैं जो कि 1900 से पहले का है, जैसे कि हमने 1890 डाल दिया, तो ये 1890 को डेट नहीं मानेगा, इसको टेक्स्ट मानेगा। ठीक है, हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसा किया क्यों गया। अब ऐसा करने का रीजन क्या है, जैसे आप कोई नंबर के साथ कोई टेक्स्ट लिख देते हैं तो इसके ऊपर आप किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है कि एक्सेल में अगर आप किसी नंबर के टेक्स्ट साथ टेक्स्ट को लिखते हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आप नहीं कर सकते। तो फिर हम डेट के अंदर जो डेट हम लिखते हैं, इस डेट पे हम +20 या इस तरह की चीजें कैसे कर लेते हैं। तो एक्चुअली में ये डेट को प्लस नहीं किया, एक नंबर को प्लस किया, और डेट रिटर्न नहीं किया, एक नंबर। जब हम कोई डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो डेट का फॉर्मेट क्या है उसको कन्वर्ट करता है। जैसे कि देखा ना आपने कि जैसे 30 31 से ज्यादा होता है तो मंथ चेंज कर देता है, जैसे 12 मंथ से ऊपर होता है वो ईयर चेंज कर देता है। तो ये डेट फॉर्मेट इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं, पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, तो पेस्ट एज ए वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट, और डेट भी हमारा एक तरह का फॉर्मेट है इसलिए उसको रिमूव कर देता है। लेकिन आप चाहते हैं कि जब मैं पेस्ट करूं तो मेरा फॉर्मेटिंग सारा हट जाए, फॉर्मूला सारा हट जाए, लेकिन मेरा जो डेट है मतलब कि डेट है, टाइम है, नंबर की फॉर्मेटिंग है वो ना हटे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वैल्यू के जगह पे फॉर्मूला और वैल्यू के जगह पे मैं फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल करूंगा। ऐसा करने से क्या होगा कि बाकी फॉर्मेटिंग्स नहीं आएंगे, फॉर्मूले नहीं आएंगे, लेकिन हमारा डेट जरूर आएगा। समझ में आ गया विनायक जी? हाँ जी सर, आ गया। और आगे बढ़ते हैं, हम अगला टॉपिक है हमारा, जैसे कि हम 20 है और 30 है। अब मैं इस 30 को कॉपी करूंगा और 20 के ऊपर मैं पेस्ट करता हूं। पेस्ट वैल्यू को भी करेंगे आप तो क्या करता है कि 20 30 को रिप्लेस कर देता है, क्या कर दिया ना। लेकिन अगर हम पेस्ट स्पेशल करें और पेस्ट स्पेशल में हमारे पास यहाँ ऑपरेशन में ऐड होता है और हमने ऐड पे क्लिक कर दिया, तब ये इसको ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कब ऐड करेगा,
तभी इसको रिप्लेस नहीं करेगा, ऐड करेगा, मतलब कि जहां से कॉपी हो रहा है जहां पेस्ट हो रहा है उन दोनों के बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, और यहां पे आप देखेंगे कि आपको ऐड दिखेगा और रिजल्ट दिखेगा 50। और इसी तरह से ऐड के जगह पे इसी तरह से आप जो है पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो यहीं पे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट सब मिलेगा। ठीक है विनायक जी? हाँ जी सर। तो विनायक ये फॉर्मूला दिखेगा क्या सर? ये फॉर्मूला दिखेगा क्या कि पहले 20 था उसके ऊपर प्लस 30 हुआ? नहीं वो नहीं दिखेगा, वो तो जस्ट करके डालेगा, फॉर्मूला तो बुला रहा है। अच्छा ठीक ठीक है सर। बट क्वेश्चन ये आता है कि इसका यूज क्या करेंगे हम, नरेंद्र जी, संत रवि प्रकाश जी आपको तो पता होगा तो आप मत बोलिए, संतोष जी, नरेंद्र जी, रवि जी बताइए क्या यूज करेंगे? मतलब जो एक अलग कॉलम करके प्लस करते थे बस वो कॉलम प्लस नहीं करेंगे? तो ये यूज बेनिफिट क्या होगा, क्या मतलब कि आप एक्सेल सीख रहे हैं तो बेनिफिट के लिए सीख रहे हैं ना, कोई गेम तो नहीं ना है कि आपको मजा आएगा? नहीं, जो आगे की वैल्यू जो कॉपी करेंगे उसमें वैल्यू ऐड होती रहेंगी तो बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा। एक काम करें, आज तो फ्राइडे है और फ्राइडे को हमेशा मैं रिसर्च देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो मैंने रिसर्च दिया कि मुझे इसके कम से कम 3 यूज बताएं जिसने आपका टाइम कम किया, आपके काम को सिंपल किया है, टाइम को कम किया है और आसान किया है, ठीक है? जी जी, जी. और एक चीज और जान लीजिए, हिमांशु जी, नरेंद्र जी एंड रवि जी एंड ऑल्सो संतोष जी, आप लोग जो मेरी एक्सेल सीख रहे हैं ना सर, इसकी प्रैक्टिस आप करते हैं, मैं बोलूंगा इसकी प्रैक्टिस नहीं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, आप अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट कीजिए। आप बताते हैं एक्सेल पे ही काम करते हैं तो आप पूरा दिन ये सोचिए कि आज मैंने जो ट्रेनिंग लिया है उसको मैं अपने ऑफिशियल वर्क में कहां इम्प्लीमेंट करूं, समझ गए जी? तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको नहीं बोलूंगा, आपसे आपको इम्प्लीमेंट करना है इसको, जो भी टॉपिक कि आप जो मुझसे सीख रहे हैं ये इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस तो यही है ना कि आप इसको ऑफिस में यूज करके अपने काम को आसान कर सको। तो इसकी प्रैक्टिस आप जो नॉर्मल एक्स्ट्रा टाइम निकाले घंटे दो घंटे करें उससे अच्छा है कि आप इसको ऑफिस में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप एक दिन करोगे ना तो अगले दिन तो फिर नया टॉपिक होगा, लेकिन इसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका डेली हो जाएगा, क्योंकि काम तो आप डेली करते हो क्या? आपने बोला था ना कल की वो हाँ जी सर, बना लो उसमें हाइपरलिंक कर लो, मैंने कल वो किया है, मैक्सिमम 50 के आसपास मैंने। हाँ मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने ऑफिस में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, जो भी आप डेली सीखते हैं उसको आप इम्प्लीमेंट, आप उसकी एक आपकी क्लासेस के बाद जो वीडियो बनेगी उस वीडियो को आप देखिए, और देखने के बाद आप उसकी पॉइंट्स निकालिए, उस पॉइंट्स को आप ऑफिस में इम्प्लीमेंट कीजिए, सोचिए, रिसर्च कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने काम में, ठीक है? घंटा डेढ़ घंटा लगा के करना बड़ी चीज नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ी चीज है, क्योंकि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उससे प्रैक्टिस से जरा बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगा जी सर। बाकी आपकी श्रद्धा है, तो मुझे आप लोग अपने ऑफिस में इस ऑपरेशंस को यूज करें और मुझे तकरीबन 3 या 4 यूज बताएं जो आपका काम आएगा। आज यही आपका होमवर्क है, यही आपका रिसर्च है। और हाँ, सैटरडे एंड संडे में 9 बजे की एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, तो आप लोगों को अगर टाइम होगा तो मुझे कॉल करके या सेम लिंक सेम होगा ज्वाइन कर सकते हैं, 9 और 9:05 के। ठीक है सर, ठीक है सर जी, सैटरडे एंड संडे। सर अगर डायरेक्ट लिंक भेज दिए तो हो जाता ना सर? सर क्या ना, थोड़ा सा भूलने की आदत है, भूल गया तो, क्योंकि आपकी बैच लिस्ट में नाम तो नहीं रहेगा ना। ओके, क्योंकि ये लिंक सेम रहेगा, तो आज मैंने भेजा वही लिंक रहेगा, उसी से क्लिक करके आप 900 उस क्लास में से यही रिपीट होगा या इससे अलग कुछ है? अलग होगा, मतलब कि बेसिक ही चल रहा है उसमें। ओके सर, ओके ओके।
थैंक यू जी, हैव नाइस वीकेंड, बाय।